सेटलमेंट हो गया तो वो एक एग्रीमेंट जो है वो लिखते हैं, और वो एग्रीमेंट जो है जिस कोर्ट से रेफर हुआ है मामला उस कोर्ट में वापस वो जाता है, और उस एग्रीमेंट के आधार पर जो कोर्ट है वो राजीनामा अवार्ड या राजीनामा डिग्री जो है वो पारित करता है, तो इसलिए उसको वैधानिकता जो है मिल जाती है, मतलब कोर्ट का ही है वो जो है, तो वो एक राजीनामा डिग्री जो है पारित हो जाती है। ठीक अच्छा क्वेश्चन है, इनका कहना ये है अगर कोई केस मेडिसिन सफल हो जाता है वापस कोर्ट में जाता है डिक्री ऑर्डर हो जाता है और फिर कोई त्रुटि रह जाती है, देखिए न्यायालय से अगर कोई त्रुटि, लेकिन न्यायालय से त्रुटि होने का सवाल इसलिए नहीं होता, न्यायालय कोई भी रेफरल एक ही जगह पर होती है, जब वो केस वापस जाता है सेटलमेंट तो न्यायालय एक रेफरल जज की ट्रेनिंग होती है, रेफरल जज ट्रेनिंग होती है जहाँ पे बताया जाता है उनको कि आपको इस जो सेटलमेंट है इनको किस किस कसौटी पे पैमाने पे बैठ प्लीज बैठ किस किस पैमाने पे देखना है, वो ये देखता है कि ये लॉफुल है कि नहीं है, एनफोर्सेबल है कि नहीं है, ठीक है एग्जीक्यूटेबल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही वो उसकी ऑर्डर करते हैं, तो ये कई प्रतिशत कम हो जाती है। अब दिक्कत कहाँ पर आती है कि कोई चीज़ उस समझौते में इस तरह की छूट गई है कि भविष्य में हो सकता कोई परेशानी है, अगर ज्वाइन है तो अब एमपी लगा के हाई कोर्ट में एमपी ठीक है मिनिस्टर जी पिटीशन पर लगा के आप उसे दुरुस्त करवा सकते हैं, अगर बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि अब ये एग्रीमेंट ही तो बना है ना, अगर बन रहा है तो इसमें फिर हम रिट लगा के और उसमें एक बार मौका मिलता है जो भी ब्रीच कर रहा है उसे मौका मिलता है एक मौका बस बोलने का, अदरवाइज ये एनफोर्सेबल है और कानून जब इसको एनफोर्स करवाता है तो जितने भी एक उसके डिग्री एग्जीक्यूट करवाने के तरीके होते हैं वो उसमें कर सकता है। संतुष्ट हो क्वेरीज और प्लीज बैठे, और कोई हो रहे हैं ये जो ब्रॉड में कई बार अपन होते हैं इसका मतलब आपने सुना है, जनरली इमीडिएट आमतौर पर बहुत से सवाल है आमतौर पर ये होता है जैसे आपका जो अभी दो तीन से बात कर रहे हैं वरिष्ठ नागरिक वाले केसों में इनको वकील अलाउ नहीं होता है, कई जगह स्टेट्स में वकील फैमिली कोर्ट में अलाउ नहीं है, कई जगह अलाउ नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है और ये माननीय न्यायालय का भी मानना है कोर्ट का भी मानना है सुप्रीम कोर्ट का कि बिना एडवोकेट के न्यायालय की कोई भी प्रक्रिया या विधा चल नहीं सकती, नहीं चल सकती, एडवोकेट उनके हित के संरक्षक हैं, कई बार ये होता है भावना में उधार ले लेते हैं हम डिसीजन, वहां पे एडवोकेट का काम ये है तीन काम होते हैं प्री मीडिएशन ड्यूरिंग मीडिएशन और पोस्ट मीडिएशन, हम तो बैठाते हैं एडवोकेट्स को क्योंकि एडवोकेट्स को आपने कन्विंस कर लिया ना तो पार्टी अपने आप आपके हाथ में आ जाती है, प्री मीडिएशन में वो अपने पक्षकारों को बताता है कि मीडिएशन क्या है और आपको इसमें मुद्दों पर बात करना है यहाँ पे आपकी जीत हो सकती है ये आपको मिल सकता है प्री मीडिएशन वो तैयार करता है, ड्यूरिंग मीडिएशन में आपने सुना होगा आर्ग्यूमेंट होते हैं दो पक्षों के बीच आर्ग्यूमेंट होते हैं, आर्ग्यूमेंट सबसे लास्ट में होते हैं पर वहां पे जब दोनों पक्ष अपनी बातें कर रहे होते हैं तो दिमाग चलता है एडवोकेट का उस बातों को तैयार करता रहता है कि अच्छा ये बातें का जवाब ये हो सकता है, वह उसको सुन के अपने पक्षकार की मदद करता है और अपने पक्षकार की इसका मैं उदाहरण दूंगा आपको उदाहरण से और फिर होता है पोस्ट मीडिएशन कि जो समझौता हुआ है लीगल है कि नहीं है उसे एग्जीक्यूट कैसे करवाना है, वो अपने पक्षकार को गलती करने से रोकता है, नैतिक कर्तव्य गलती करने से रोके, देखिए नॉन बाइंडिंग है तो कई बार होता है कि वकील नहीं चाहते कि हमें नहीं करवाना समझौता केस चला जाएगा, लेकिन एक अच्छा वकील या जब आप अच्छे मीडिएटर होते हैं आप उनको कन्विंस करते हैं कि इस तरफ जाएं। अब एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि एक केस चल रहा था वो था बहू ने अपने ससुर पर लगाया था, पीएचडी डॉक्टर थी बहू ससुर भी पीएचडी डॉक्टर था, मेंटेनेंस का 125 का, और अगर बहू ने सास पे ससुर पर लगाया इसका मतलब ही किया जिंदगी में उसका हस्बैंड नहीं है, वो भी डॉक्टर था और बच्ची थी उसकी, उसने 125 अपने लिए भी और बच्ची के लिए भी लगाया हुआ था, केस हमारे पास आया फैमिली कोर्ट का मैटर था, हमने बातचीत शुरू की तो ससुर बहुत एग्रेसिव था और उसने एक जैसे ही लड़की ने रोना शुरू किया या थोड़ा सा डोमिनेट हुई उसने एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर ली, कभी अगर मेडिसिन ट्रेनिंग आपको देंगे तो उसको बताएंगे स्ट्रेटेजी क्या लेके आते हैं पक्ष का सिखाई जाती है हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव है कि कॉम्प्रोमाइजिंग है क्या स्ट्रेटेजी में इसमें स्थिति में आ रहे हैं, तो वो एक कॉम्पिटिटिव स्थिति में था और डोमिनेटिंग स्टेज में था, अपने बहू को वो डोमिनेट कर रहा था चलता रहा और दिन भर करीब 4-5 घंटे की मेडिसिन के बाद में उसने एक शब्द ऐसा बोल दिया उसको
जो उसके चरित्र को लेके था और उसका वो जो था वो कारगर साबित हुआ, वो काम कर गया। लड़की टूट गई, बहू टूट गई, इमोशनली इतनी हर्ट हुई, बोले सर मुझे कोई केस नहीं करना, मैं केस विड्रॉ कर, केस मैं विड्रॉ कर रही हूँ। मीडिएशन में सेटलमेंट विड्रॉ भी सेटलमेंट ही होता है। कोई पक्ष अगर अपना केस विड्रॉ कर ले, इसने लगाया है, तो हमारे लिए वो एक जीत की आ जाती है, यूनिट मिल जाता है, जो पैसे मिल जाते हैं जो भी उसमें। पर वास्तव में एथिक्स ऑफ द मीडिएटर अगर फॉलो करें तो वो गलत था, क्योंकि सरेंडर कर दिया उसने। नो टू हम पार्टी, कभी अगर हम बात करेंगे देखो नो टू हम पार्टी कि अगर किसी ऐसी दिशा में कोई निर्णय लिया जाता है, फिर वकील को हमने बुलाया, हमने आपकी पार्टी जो कोई ऐसा निर्णय ले रही है जो ये नैतिक उसमें ठीक नहीं है, मीडिएशन इनके लिए नुकसानदायक है। वकील साहब का आपको उत्तर आ रहा है, वकील साहब का उत्तर ये था सर पार्टी का डिसीजन है ना, पार्टी सेंटर्ड है, करने पार्टी वकील का काम वहाँ पे वास्तव में जाना चाहिए था कि वो अवेयर करता अपनी पार्टी को कि नहीं आपको नुकसान है, क्योंकि आपने एक बार अगर इसको ले लिया वापस आप दोबारा नहीं लगा पाओगी, आप दोबारा नहीं लगा पाओगे। हमने कन्विंस किया, नहीं मानी, लेकिन इस तरह हार्ट हुई थी, तब हमने उस केस को वापस करना ही बेहतर समझा कि हमने एटलीस्ट वहाँ जाके अगर विड्रॉ करे तो ठीक है करे, क्योंकि हम उसको बाइंड तो कर नहीं सकते, हम समझा भी नहीं सकते। तो वकील का वहाँ रोल ये था, उनको वो रोकती, वो रोकते उनको बताते कि देखिए आपके नुकसानदायक है, क्योंकि एक बार अगर वापस चले गए आप इस गुस्से में तो आप केस में दोबारा नहीं लगा पाएंगे, अपना भी नुकसान करेंगे और बच्चे का नुकसान भी करेंगे। संतुष्ट हैं सर? तो रोल बहुत बहुत ज़्यादा है लॉयर का, और तो धुरी है लॉयर को हमारी जुडिशरी। और कोई वेरी गुड, एक स्लाइड हमने बहुत जल्दी आगे बढ़ा दी थी, वो सेक्शन 89 की। इनका कहना है मीडिएशन किसी भी स्टेज में हो सकता है क्या? बिल्कुल, लेकिन मीडिएशन लिए जरूरी है कि आपके केस कौन से हैं। एक है सिविल, क्रिमिनल, क्रिमिनल वो केस जो नॉन कंपाउंडेबल है, 198, 125, 138, 400 की कंप्लेन केस, पुलिस और स्टेट नहीं, कंप्लेन केस, या उसका मामला है, मान लीजिए बिल्डर का मामला है और 420 लगा दिया चेक बाउंस ने इस पे। तो ये केस जब आपके पास आते हैं तब फैमिली मैटर्स में, फैमिली मैटर्स में रिप्लाई के पहले, रिप्लाई के आप किसी स्टेज में भेज सकते हैं। अगर आपने साइन नहीं किया, जज साहब ने ऑर्डर पे साइन नहीं किया, रिलीज नहीं हुआ है, कर भी दिया रिलीज नहीं हुआ है, तो भी मीडिएशन भेज सकते हैं। लेकिन आइडियल ये होता है जो एफ1 जजमेंट में बताया गया है, एक तो इश्यूज बनने के पहले, वाद प्रश्न बनने के पहले, रिप्लाई आने के पहले, क्योंकि फैमिली मैटर्स में ये होता है कि जो आपके साथ हुआ है वो आप नहीं करते हैं, कई बार बढ़ा चढ़ा के आप वकील को देते हैं कच्चे चावल, क्या देते हैं? कच्चे चावल, और वकील क्या करता है उसे बढ़िया बिरयानी बना के उसको सामने रख, मजबूरी है। अगर हम ये कहें कि नहीं साहब जो है वो आया और उसने जो हमें देखा, हमने क्या है, उसने हमें पैर चपट मार दी, हमारा जो है ईगो हर्ट हो गया, 323 लगा, पॉसिबल? हम क्या लगाएंगे? वो आया क्रोध में, स्प्रे मारा, अगर मैं पीछे नहीं हट रहा था मेरी जान जा सकती थी, और थप्पड़, तो आप उसमें ऐसा अतिरिक्त जोड़ते हैं। अगर मान लीजिए जब ये वहाँ पहुँचा, ये बिरयानी चावल वाले वहाँ पहुँचे दूसरी पार्टी पर, तो क्या करेगा? बढ़िया उसमें प्याज डालते हैं ऊपर से और सजाते हैं, गार्निश करते हैं, जो रिप्लाई जाएगा वो गार्निश वाला है। तो कोशिश फैमिली कोर्ट में ये होती है कि उसके पहले रिप्लाई के पहले आ जाए। और आजकल एक चीज़ और आपकी जानकारी भी बता दें हम कि अब नोटिस में उनके वाद पर वाद नहीं जाता है, केवल एक नोटिस जाता है अपीयर होने का, क्या इल्जाम है क्या ब्लेम है वो नहीं जाती, तो नोटिस में आजकल वाद पत्र नहीं जाता है। अच्छा, बाकी सिविल में इश्यूज के होने के पहले, बात सेम होने के पहले, या चार्ज देने के पहले, अब क्रिमिनल केस में अगर फोन नहीं किया कुछ ऐसा, जब तक आप लोग करेंगे, अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट सेमेस्टर लास्ट सेम तक है, जब आप बन के निकलेंगे हो सकता है ये परिपाटी कुछ बदल चुकी हो आपके कोर्ट की, प्री लिटिगेशन प्री मीडिएशन आ जाएगा, और वो बिना एडवोकेट के होना नहीं है, पहली चीज। दूसरा, धांधली ये थी कि मीडिएशन खत्म हो जाएगा, देखिए लोक अदालत से कुछ खत्म नहीं हुआ, कहीं कुछ खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब चीज़ें बढ़ रही हैं, अब उनके पास लोग जाते हैं ऐसे एडवोकेट के पास में, ये केस जल्दी खत्म करा देते हैं। आपके अपने राजकुमार सोनी है, हमने जब फैमिली कोर्ट शुरू किया 2010 में, उसे 26 केस लगातार खत्म किए,
कंटिन्यूस 26 केस पेमेंट देने वाले सामने बैठे हुए हैं हमारे, जब पुराने उन्होंने देखे कि कंटिन्यूस 26 के, और उसमें से अधिकांश केस थे राजकुमार सोनी के। हमने उसे एक बार पूछा, हमने आपको दुख हुआ होगा, तकलीफ होती है, केस खत्म हो जाते हैं, बोले सर अच्छा हो गया, अब जो पक्षकार आते हैं वो ये बोलते हैं इनसे करवा कर जल्दी केस खत्म करो। हर चीज का पॉजिटिव होता है और देखिए नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह है, ये समस्या तो है सर और ऑल ओवर इंडिया। हाँ सर, हाँ अपील। देखिए दो तरह के मीडिएशन होते हैं, एक होता है, बहुत से सवाल है, ये सवाल आपके भविष्य के उससे जुड़ा हुआ है ये सवाल, कोर्ट दो तरह के मीडिएशन होते हैं, एक कोर्ट एनेक्स मीडिएशन और दूसरा प्राइवेट मीडिएशन। कोर्ट एनेक्स मीडिएशन जब कोर्ट केस कोर्ट में रहता है तो रेफर किया जाता है, आपके पास किया जाता है, एक बार उसमें अगर ऑर्डर हो गया तो मीडिएशन होता है, वो प्राइवेट केस एक प्रकार से हो गया। अब अपील की अवधि में अगर आप चाहें तो किसी प्राइवेट मीडिएटर से आप मदद लेके उसे अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में उसको 74 में करवा सकते हैं, लेकिन अगर अपील हो गई है तो फिर वो मीडिएशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ भी केस है वहाँ पर इसको आप कर सकते हैं अपील स्तर पे। हाँ जी सबसे बेस्ट, मतलब आंसर देखिए क्वेश्चन सबके अच्छे हैं पर ये कुछ ऐसा होता है, खुशी होती है बताने में, एक स्वार्थ होता है, स्वार्थ होता है आंसर देने में कि इसको देना चाहिए। तो ये वैसे ही क्वेश्चन है, इनका सवाल था कि मल्टीपल केसेस दो पार्टियों के बीच में अगर हैं तो एक ही खत्म होता है, सारे खत्म होते हैं। उदाहरण जो उन्होंने दिया जैसे मैट्रिमोनियल केस, तलाक का भी लगा है, 490 भी लगा है, सेक्शन 9 भी लगा हुआ है, तो इनका केसेस क्या होगा? बहुत अच्छे केसेस है, देखिए डायबिटीज जैसे जो फैमिली मैटर्स होते हैं डायबिटीज की तरह होते हैं, डायबिटीज समझते हैं ना, किडनी भी लेके जाती है वो, मतलब सारे ऑडियंस लेके जाती है, फैमिली मैटर्स भी हेल्थी होते हैं, अगर 13 लगा तो 498 भी होगा, 125 भी होगा, वहाँ सेक्शन 9 होगा, डोमेस्टिक वायलेंस भी होगा। मीडिएशन की खूबसूरती ये है कि जब दो पक्षों के बीच में समझौता होता है तो उससे संबंधित, उन पक्षकारों से संबंधित जितने भी वाद हैं जो कंपाउंडेबल हैं या फिर नॉन कंपाउंडेबल भी है तो 42 उसमें जाके सीआरपीसी में 42 में जाके उसको केस करा सकते हैं। सारे केस एक साथ खत्म होते हैं एक ही ऑर्डर, सारे केस एक साथ खत्म होंगे। अगर मान लीजिए 13 में मुकदमा मीडिएशन हुआ है उसमें लिखेंगे कि फलाने फलाने के बीच में समझौता हो चुका है, इनके बीच में एक केस ये लगा हुआ है 125 का इस न्यायालय में, एक केस 490 का लगा हुआ है इस न्यायालय में, इसको वो कानूनी रूप से वापस लेंगे। जितने भी आज, जैसे मैं लिखता हूँ आज दिनांक के पूर्व जितने भी वाद या परिवाद दोनों के पक्षों के मध्य में है समाप्त करवाएंगे कानूनी रूप से, कि कोई भी शिकायत अगर न्यायालय के अतिरिक्त कहीं पर है उसे समाप्त मानी जाएगी। तो मीडिएशन में ये फायदा है कि आपके एक साथ सारे केस समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ 498 के लिए आपको 482 में जाना पड़ता है क्वेश्चन करवाने के लिए हाई कोर्ट। हाँ जी सर, 482 में जैसे क्वेश्चन होता है तो उसका फिर लीगल इंपैक्ट बाद में क्या होता है? मान लो कोई वैलिडिटी सर्विस में हमेशा क्या टोटल एक्विटल हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर, नहीं वो समझौता जो आपका हुआ है वो कोई ब्लेम नहीं, इक्विटल वहां पे कोई नहीं, जीत दोनों रहे, वहाँ इक्विटल नहीं हो रहा है, वहाँ पे जल्द से ही खत्म हो रहा है, केस क्रैश हो गया, केस का अस्तित्व ही खत्म हो रहा है। अच्छा आपस में जाए हमसे पूछ लें, कोई और सवाल पैरी और हो गया एक बार फिर से एक मिनट पूछ लें के लिए जो रहता है एक बार अपने लिए बजा दीजिए मुझे झेलने के लिए, एक बार आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था और एक बार पुनः अपने विभाग की ओर से आपका हृदय दिल से शुक्रिया करते हैं।